आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा के मद्देनजर दो दिन पहले ही प्रशासन ने भोपाल से धारा 144 हटा दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली। इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भोपाल के रंगमहल इलाके से मिंटो हॉल तक यह यात्रा निकाली गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हमने जो शांति मार्च किया है यह सिर्फ भोपाल और प्रदेश के लिए नहीं, यह देश के लिए है। आज हम देश के दिल से यह संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह केंद्र सरकार देश को तोड़ना चाह रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि कानून में क्या लिखा है, प्रश्न ये है कि इसमें क्या नहीं लिखा, प्रश्न ये नहीं है कि इसका क्या उपयोग होगा, प्रश्न ये है कि इसका क्या दुरुपयोग होगा। हम सब क्या अनपढ़ है क्या? मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ना नहीं जानते। हमने पढ़ लिया, हम उनकी नियत समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रश्न नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या नहीं लिखा है, प्रश्न नहीं है कि इसका क्या उपयोग होगा, इसका क्या दुरुपयोग होगा, ये आज हमारे सामने प्रश्न है। और इस प्रकार का कानून लाना, इस प्रकार का कानून लाना, मैं तो सब पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगली दफा आप यहाँ बैठेंगे, मैं पूछूंगा कहाँ के नागरिक है, कोई सबूत है? आप सबूत लाइएगा, अपने परिवार बाप दादाओं का सबूत लाइएगा। तो ये जो आज इसकी सफाई देना चाह रहे हैं, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आज जनता को गुमराह करने का ये पूरा प्रयास है। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, इनके गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। जो कानून संविधान विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी हो, ऐसा कोई भी कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। एनआरसी और सीए का अंदरूनी लक्ष्य कुछ और है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमें देश की संविधान और संस्कृति की रक्षा करनी है। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सरकार के मंत्री और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा है। इंदौर में भी शांति मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ये देश की जनता है जो लोकतंत्र और देश की एकता के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सरकार ने आज भोपाल में सद्भावना विरोध निकाला। आज हम बात करते हैं कुछ लोगों से, किस बात का विरोध है? नागरिकता को लेकर कानून जो बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये आम जनता के साथ में विश्वासघात है। इस देश की आज़ादी में जिन महान सपूतों की बलिदान और त्याग के कारण हमको आज़ादी मिली, उन लोगों के द्वारा जो संविधान बनाया गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में रचना की, निश्चित तौर पर उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी सदवा सामुदायिक लोगों के लिए सजावट करने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला नागरिकता संशोधन बिल नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। उसमें उनने हिंदू की बात की है, उनने ईसाई की बात की है, उनने अन्य लोगों की बात की है, मुस्लिम भाइयों की बात नहीं की। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? और निश्चित तौर पर आप ये मानिएगा कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम सब लोगों को साथ रखना चाहते हैं, तो माला में विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं, विभिन्न प्रकार के रंग के जो फ्लावर हैं, निश्चित तौर पर सबको सजा के रखना पड़ेगा अगर देश को सबल और सक्षम बनाना है तो। और अगर आपको तोड़फोड़ करने का काम करना है जो शुरू से आपने किया है, तो एक अलग चीज़ है, उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं आसपास, बंगाल में भी देखने को मिला, यूपी में भी देखने को लगा, इस संशोधन बिल के विरोध में, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
अपनी वेशभूषा चेंज करके और जो उपद्रव किए हैं निश्चित तौर पर जब उनको पकड़ा पुलिस ने तो उजागर हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आग लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले ही उद्यम कर रहे हैं और वही विद्रोह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार हो और उनको स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति हो। तो नेताजी का साफ कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने वाला कानून है जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। कांग्रेस द्वारा भोपाल में नागरिक संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें भोपाल सहित अन्य प्रदेशों के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों से जब नागरिकता संशोधन कानून और NRC के बारे में पूछा गया तो उन्हें इस कानून का पता ही नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो पार्टी की रैली में शामिल होने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा उनको कोई खतरा नहीं है, मोदी अच्छा कार्य कर रहे हैं और यह बिल भी अच्छा है। प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने कहा कि उनको यूरिया नहीं मिल रहा इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आज कांग्रेस ने रैली निकाली। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप कहां से आए हैं? राजगढ़ जिले से आए हैं। किस बात को लेकर आए? वो तो इसी बात को लेकर आए हैं। कौन सा संशोधन बिल? नागरिक क्या है ये संशोधित बिल? क्या है इसमें, क्या है किसमें विरोध, किस चीज का है? इसमें विरोध इस चीज का है सभी लोगों को, जिसके विषय में जो चल रहा है आंदोलन इसी विषय में है। तो किस विषय में आंदोलन चल रहा है? वही तो इन नागरोधित आप बताइए किस किस विषय में ये सही चल रही है? हम व्यवस्था में मतलब खाद नहीं मिल पा रहा हमें, मतलब रुकावट लग रही उसे विरोध में है। और ये जो संविधान रक्षा के संविधान कैसे खतरे में आ गया? वो सर तो पार्टी क्या है कि खतरे में इसलिए आ गया कि हमें खाद नहीं मिल रहा है, वो कर्ज माफ़ी नहीं हो रही है और इसके लिए हम मतलब ये हटाने चाहते हैं। तो कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हो रही आपकी? वो कर्ज माफ़ी इसलिए नहीं हो रही कि वो आगे से बजट नहीं आ रहा है इसलिए कर्ज माफ़ी नहीं हो पा रही। कहाँ से आए? ये हमने काला पीपल से। तो आप किस लिए आए हैं? ये देखने के लिए आए थे क्या क्या कहते हैं यार, अब भूल गए पता नहीं। अच्छा ये बताए कौन ने बुलाया? कांग्रेस ने? हाँ कांग्रेस ने। आप किस लिए आए यहाँ पे? ये इसके लिए, ये हटवाने के लिए। क्या हटाने के लिए? ये जो ये हटाया ना, ये क्या क्या हटाया? ये जो अपना NRC? हाँ NRC नहीं है। NRC है क्या अभी? क्या ये NRC है जो अपने ये नागरिकता और ये इसके लिए आए थे, सब आए थे, सब लोग के साथ आए थे। अच्छा सब लोग के साथ आए तो बुलाया गया था? बुलाया था ऐसे सभी को। या नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में है, मोदी जी के विरोध में? मोदी जी के विरोध में नहीं, पार्टी थी, रैली थी, बस उसमें आ गए, गाड़ी लगाई थी। इस NRC से नुकसान क्या है? हाँ किसने सही है वो तो नहीं है, उसको नुकसान नहीं है, मोदी जी को कोई नुकसान नहीं इससे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देश को नुकसान है NRC से? हाँ इससे तो ये तो पड़ सकता है। NRC है क्या? ये क्या है? तो अच्छा ही है वो तो, समझो तो इसके लिए सभी के लिए, पब्लिक के लिए, समझने के लिए, सभी का अच्छा लिए हो तो करने के लिए, और सभी सुविधा अच्छी है, सभी सरकार बहुत बढ़िया है, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी बढ़िया है, मोदी माने अच्छा? हाँ बहुत एक नंबर है मोदी जी भी, उसको मानते हैं हम, उनको कदर करते हैं, वो इतनी शासन चलाते हैं। अभी हम आए कमलनाथ जी के सरकार में तो हमें मिले ही नहीं, गाड़ी भी भेजिए, किसान लोग तो है। कर्जा माफ हुआ आपका? हाँ कर्जा माफ चल गया सर, हमारी चल गई। नहीं अभी हुआ नहीं। अच्छा। अभी नहीं हुआ, अभी खाली घोषणा करी है, पर अभी हुआ घोषणा करी है। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? ये तख्ती लेके रखे हैं, ये बता दो कितने पैसे लेके आए तुम? ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में अटल भूजल योजना की शुरुआत की। एक दिन पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर 7 राज्यों के 8,350 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक शामिल हैं। साथ ही इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने के भी मदद करेगी। अटल भूजल योजना 5 साल के लिए है। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि रोहतांग दर्रे के नीचे बनने वाली स्मारक महत्व की सुरंग को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। इस सुरंग को बनाने का निर्णय 3 जून 2000 को लिया गया था, तब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।
का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पानी को लेकर के बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान तो इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। सरकार का उद्देश्य 2020-21 से 2024-25 तक गांव में भूजल का प्रबंधन करना है। 6000 करोड़ की इस योजना की आधी रकम वर्ल्ड बैंक से कर्ज के रूप में होगी, जिसे केंद्र सरकार अदा करेगी। शेष आधी राशि सामान्य बजट में केंद्र मदद के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। योजना पर दो तरह के काम होंगे। पहला, राज्य में भूजल प्रबंधन के लिए व्यवस्था को मजबूत करना, नेटवर्क की निगरानी करना और जल उपभोक्ता संगठनों को तैयार करना है। दूसरा, भूजल प्रबंधन का बेहतर अभ्यास, जल संरक्षण योजना, मौजूदा योजनाओं में प्रबंधन को लागू करना तथा मांग प्रबंधन के अभ्यास को स्वीकार करना है। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में कई दिग्गज राजनेताओं के मौजूद रहने की संभावना है, बताया जा रहा है। समारोह में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शपथ समारोह का न्योता दिया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को हेमंत सोरेन ने 50 विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। इस मौके पर उनके साथ विधायकों के अलावा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन, कांग्रेस पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, सह प्रभारी उमंग सिंघार, कांग्रेस नेता अजय शर्मा भी मौजूद थे। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुनने की घोषणा की गई। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के आवास पर हुई इस बैठक में दल के सारे 30 विधायक मौजूद थे। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में झामुमो कोटे से 5, कांग्रेस से 5 और राजद से 1 मंत्री के शामिल होने की संभावना है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो छात्राओं ने मंगलवार रात पहुंचकर धरना दिया। पहले तो छात्राओं ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रबंधन को जमकर कोसा, फिर वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। छात्राओं से मिलने पहुंचे रेक्टर श्रीकांत सिंह से छात्राओं ने कहा कि उनके जनसंचार विभाग के एचओडी संजीव गुप्ता उनसे बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं, साथ ही उनकी कक्षाओं में उपस्थिति कम बताते हुए परीक्षा में बैठाने से भी इनकार कर दिया है। छात्राओं ने बताया कि वे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में सेकेंड ईयर की छात्र हैं। वे तबीयत खराब होने की वजह से कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकी थी। उनकी शनिवार से परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षा से पहले उन्होंने पिता के साथ कुलपति से मुलाकात कर सारी स्थिति से अवगत कराया था, इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। हमने सर को बोला कि सर हम बीमारी के कारण नहीं आ पाए थे, हमारे पास मेडिकल है, तो आप बताइए कि हमारा रीएडमिशन अब कैसे होगा, मतलब हम कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो एचओडी सर का ये कहना था कि श्रेया पांडे तुम्हारी 0% अटेंडेंस पे मैं तुमको तो एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम्हारा मेडिकल एक्सेप्ट कर लूँगा, पर मनु तुम्हारी 0% अटेंडेंस पे मैं तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम अपनी सोर्स लगाओ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ वहाँ जाओ और वहाँ जाके अपील करो, और वहाँ से अगर कोई सुनवाई हो जाए तुम्हारी तो मुझे बताना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला मुझे कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR, पहले तो बोलते हैं कि एक काम करो, अगर तुम्हें मेरे इस डिसीजन से कोई दिक्कत है तो तुम मुझे कोर्ट कचहरी ले जाओ, और अगर नहीं तुम ले जाती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करके तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा और तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। संजीव गुप्ता सर। छात्राओं ने रेक्टर के सामने आरोप लगाया कि कुछ छात्र छात्राओं की उपस्थिति उनसे भी कम है, इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। छात्राओं ने बताया कि पहले तो सभी कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया गया था, बाद में नोटिस जारी किया कि ₹500 जमा कर वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस नोटिस के आधार पर जब हमने एचओडी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि एक छात्रा परीक्षा में शामिल हो सकती है, लेकिन दूसरी को चरित्रहीन और शैतान बताकर परीक्षा दिलवाने से इनकार कर दिया। छात्राएं रात में MP नगर थाने भी पहुंची, वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के HOD संजीव गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर शिकायत की। इसके बाद वे वापस आकर धरने पर बैठ गईं। वे देर रात तक धरने पर बैठी रही। तमाम समय से विवादों का केंद्र बने MCU के रेक्टर श्रीकांत सिंह ने कहा कि छात्राओं को उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे धरने प्रदर्शन के कारण किसी को नियमों से बाहर जाकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई और 7 में अपना महापौर पक्का कर लिया। राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा में पेच फंसा है या निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में है। प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद हुए पहले नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। एक भी नगर निगम में भाजपा अपने दम पर महापौर बनाने की स्थिति में नहीं है। रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस की बहुमत नहीं होने के बाद भी भाजपा अपना महापौर सिर्फ एक पार्षद कम होने के कारण नहीं बना सकती है। राजनांदगांव में कांग्रेस को 4 और भाजपा को 5 निर्दलियों के समर्थन की जरूरत है। कोरबा में कांग्रेस को 10 और भाजपा को 8 पार्षद और धमतरी में कांग्रेस को 2 और भाजपा को 3 पार्षद की जरूरत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, शहरी क्षेत्र में अक्सर भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस ने सरकार के 1 साल की उपलब्धियों और कामों की ब्रांडिंग करके चुनाव लड़ा है। जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि वे सरकार के काम से संतुष्ट है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि परिणाम कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद निकाय चुनाव में भाजपा को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला। यह कांग्रेस सरकार की असफलता पर जनता के गुस्से का प्रकटीकरण है। 1 साल में ही भूपेश सरकार अलोकप्रिय हो गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। निर्दलियों की खरीद फरोख्त कर भले ही कांग्रेस इन निकायों में अपना महापौर बना ले, लेकिन यह स्पष्ट है कि जनता ने 1 साल के कांग्रेस सरकार के कामकाज को खारिज कर दिया है। बिजली सस्ती होगी जबलपुर। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी तिमाही में तय होने वाला फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट घटाने जा रही है। घरेलू उपभोक्ता से अभी 30 पैसे प्रति यूनिट FCA वसूला जाता है, जो कंपनी अब 13 पैसे प्रति यूनिट करना चाह रही है। यही यानी 17 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी। ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से दिसंबर में FCA को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयला और तेल पर होने वाले खर्च के आधार पर 3 माह का FCA तय होता है। कभी ये बढ़ता है तो कभी कम हो जाता है। अभी तक 30 पैसे प्रति यूनिट ये वसूला जा रहा था। इस बार कंपनी के आंकलन में 13 पैसे प्रति यूनिट FCA तय हुआ है। जनवरी के बिल में नया FCA लागू होगा। अभी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी मिलनी बाकी है। आयोग की सहमति के बाद ही नई दरें प्रभावी होंगी। अभी 300 यूनिट बिजली की खपत वाले उपभोक्ताओं को करीब 90 रुपए FCA पर खर्च करना होता था। ये 30 पैसे प्रति यूनिट के दर से वसूला गया। अब यदि 13 पैसे प्रति यूनिट FCA लागू हुआ तो 300 यूनिट खपत पर 39 रुपए ही देय होगा और उपभोक्ता को करीब 51 रुपए की बचत होगी। सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत बैढ़न के ग्राम पंचायत क्षेत्र धनहरा में एक नदी में बना पुल 3 सालों से सड़क से जुड़ने की राह तक रहा है। इस पुल को बने 3 साल बीत गए, लेकिन पुल को सड़क से जोड़ा नहीं गया। मतलब लाखों की लागत से बना पुल लोगों के किसी काम का नहीं है। सड़क से महज 30 मीटर दूर है ये पुल, मगर इस बीच खाई इतनी गहरी है कि लोगों का इस पार से उस पार जाना असंभव है। बरसात में तो हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि खाई में पानी भरने के बाद सड़क और पुल पर भी चढ़ जाता है और अनजाने में लोग हादसे का शिकार होते हैं। और ऐसे ही हादसे में एक शख्स की मौत हो चुकी है। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र धनहरा छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। धनहरा में रहने वाले लोगों का आरोप है कि सरपंच ने सरकार के खजाने से पैसा निकालकर हजम करने के लालच में गुणवत्ता विहीन पुल तो बनवा दिया और कागजों में दर्शाकर पैसे भी निकलवा कर हजम कर लिए, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उस पुल का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोगों ने जिले के कलेक्टर, पंचायत CEO, विधायक को शिकायत की, लेकिन आज तक सरपंच सचिव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही इसकी गुणवत्ता की जांच करवाई गई और ना ही इस सड़क और पुल के बीच मौत की बनी खाई को भरा गया। जिला प्रशासन किसी और बड़े हादसे के इंतजार कर। अरे 2 साल से रोड टूटा है, पुल बन गई, 2 साल से आवागमन
नहीं हो रहा है। इस रोड से बहुत भारी समस्या है, कम से कम 50 बस्ती है। इसमें से कई लोग आ रहे हैं, गिर जाते हैं, गोड़ हाथ टूट जाता है, एक 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 मलगों का मृत्यु भी हो गए इस रोड पर गिर के। खाई बन गया है, पुल बन गया 15 लाख का, रोड आज तक नहीं बना, 2 साल हो गई। कलेक्टर वाले जिला निर्वाचन अधिकारी KL चौहान ने बताया, प्रथम चरण में काकेर, चारामा और नरहरपुर विकासखंड में तथा द्वितीय चरण में भानु प्रतापपुर और दुर्ग कोंदल विकासखंड तथा तृतीय चरण में अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा विकासखंड में मतदान संपन्न कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 3 चरणों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन व मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर को किया जाएगा। इसी दिन से नाम निर्देशन प्राप्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तीनों चरणों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जनवरी के दोपहर 3 बजे तक समय निर्धारित है। तत्पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 28 जनवरी, द्वितीय चरण का मतदान 31 जनवरी और तृतीय चरण में 3 फरवरी को मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान केंद्रों में मतदान तिथि को ही मतगणना की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो विकासखंड मुख्यालय पर प्रथम चरण के लिए 29 जनवरी दिन बुधवार, द्वितीय चरण के लिए 1 फरवरी दिन शनिवार और तृतीय चरण के लिए 4 फरवरी मंगलवार को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। बैरागढ़ में SDM मनोज उपाध्याय एवं SDOP दीपक नायक की अगुवाई में पुलिस प्रशासन का दल ग्राम बेहटा पहुंचा। यहां राजेंद्र मेवाड़ा की डेयरी को हटाया गया। अमला पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की JCB से 1 घंटे में ही डेयरी को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि पास में सरकारी जमीन पर बनी झोंपड़ियों और पक्के मकानों को छोड़ दिया गया। SDM उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल माफिया एवं अपराधियों की ओर से किए गए कब्जे हटाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में टेकरी को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। राजधानी मेवाड़ा के द्वारा लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में कब्जा करके और निर्माण कार्य कर लिया गया था। उसको झुग्गी माफिया ग्रुप में जाना जाता है, इसलिए उसका निर्माण कार्य पूरा गया है। और इमरान जो सटोरिया है, सट्टा खिलाता है, उसका मकान आपको चिन्हित किया, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे टूट रहा है, वो इमरान का मकान है। इमरान सट्टेबाज है और उसके ऊपर अन्य अनेक अपराध हैं। पुलिस की मौजूदगी में साधु वासवानी कॉलेज रोड पर इमरान सटोरिया के मकान का बड़ा हिस्सा घन एवं हथौड़ों की मदद से तोड़ दिया गया। थाना प्रभारी शिवपाल कुशवाहा के अनुसार इमरान इसी मकान से सट्टे की पर्चियां लिखता था। इसका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें खुलेआम सट्टे की पर्चियां लिखी जा रही थी। तोड़फोड़ के दौरान इमरान के रिश्तेदार विरोध करने पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने ताला तोड़ने के बाद मकान ध्वस्त कर दिया। बैरागढ़ एवं खजूरी थाना पुलिस ने कुछ अन्य माफिया एवं अपराधियों के घरों को और संपत्तियों को भी चिन्हित किया है। जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र मेवाड़ा करते हैं और जिन्होंने की इस तरीके से बेटा के पास में जगह कब्जा करके और फिर वो आदमी झुग्गियों को बेचना, इस तरीके की चीज थी, तो उनके द्वारा जो कब्जा किया गया था 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह थी, वो उनका निर्माण का है। 25 दिसंबर के दिन लोग प्रभु यीशु के जन्मदिवस को मनाते हैं। बाजारों में रौनक होती है और ईसाई समाज के लोग खूब शॉपिंग करते हैं। क्रिसमस के साथ ही कई अन्य त्योहार और नए साल के जश्न की वजह से लोगों में खुशी और उत्साह चरम पर होता है। भोपाल के सेंट जोसेफ चर्च में बिशप ने विशेष प्रार्थना की, जिसमें ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। रोशनी से नहाए शहर भर के गिरजाघरों में मंगलवार रात को सैकड़ों की संख्या में ईसाई समाज के लोग मौजूद थे। साइलेंट होली नाइट और चरनी में चमका सितारा, पैदा हुआ यीशु हमारा जैसे कैरोल गाए जा रहे थे। सर्द रात में क्रिसमस का उल्लास नजर आ रहा था। कोई बाइबल का पाठ कर रहा था तो कोई यीशु के जन्म की झांकी को निहार रहा था। इस मौके पर जैसे ही रात 12 बजे प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा की गई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मैरी क्रिसमस कहा और उपहार बांटे। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर केक भी काटे गए और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। We'll be right back.
के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बिशप को क्रिसमस की बधाई दी, प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। बहुत खुशी हुई आज क्रिसमस के दिन आप सबके बीच में आने की। आप सबको मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो विश्व के लगभग हर देश में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जो संदेश है, जो बाइबल का संदेश है, शांति का, प्यार का। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज क्रिसमस पर्व पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचकर मसीह समाज समेत प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बघेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलकर समाज के सभी वर्गों और प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।